आप बने रहिए। आइए शरद पवार ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए जरा प्ले करें इसको। शरद पवार परमबीर की जो चिट्ठी हुई उसके बाद शरद पवार का जो यहां पर ब्रीफिंग हुई है, तबादले के बाद क्यों बोले, चिट्ठी पर साइन क्यों नहीं है, चिट्ठी पर साइन क्यों नहीं है, शरद पवार ने सवाल उठाए। फिर परमबीर से एंटीलिया केस पर बात हुई, 100 करोड़ वसूली की बात हास्यास्पद है ये उन्होंने कहा है। ये सारे फैक्ट्स मैं चाहूंगा शरद पवार और जो उनकी ब्रेकिंग है उसी के साथ मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पर। सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान है आपके सामने मेरे साथ, आपको दिखा रहा हूं फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह सर हमारे साथ है। सर माफी चाहूंगा आप सभी को इंतजार कराने के लिए, प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा था वहां से। और मेरे साथ कल जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और अब मुंबई में पॉलिटिकल वैक्सीन के ऊपर चर्चा करने के लिए हम बात करेंगे अशोक वानखेड़े जी से। स्वागत है अशोक जी आपका मेरे साथ। तो मेरे साथ है विकास गुप्ता सर, सीनियर लॉयर, और यहां पर क्राइम भी है, पॉलिटिक्स भी है, मिस्ट्री भी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी है। सारी चीजों पर सबसे न्यूट्रल जवाब मैं विकास सर से ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अश्विनी आपके सामने मुंबई से, देखिए अश्विनी है, शिवांगी है, जितेंद्र जो अभी अभी वहां पे पैरा ड्रॉप किए गए हैं, और कुमार कुंदन यहां पर पॉलिटिकल सारी जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन मैं अशोक वानखेड़े सर से, सर शरद पवार जी सामने आए, उन्होंने काउंटर दिया है और उन्होंने काउंटर दिया है परमबीर का, ये बहुत बड़ी बात है, खासकर ये देखते हुए कि शरद पवार एक बहुत ही गार्डेड, बहुत ही वेटरन और बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन। देखिए सरकार पे हमले बीजेपी कर रही है, किसी ना किसी को सामने आना था, शरद पवार आ गए। शरद पवार खास तौर पर इसलिए भी आए क्योंकि उनका नाम पूर्व कमिश्नर ने लिया था, उन्होंने कहा था कि मेरी शरद पवार जी से और अजीत पवार जी से भी बात हुई, मुख्यमंत्री से भी बात हुई, ये 100 करोड़ का जो कलेक्शन है उसके बारे में। शरद पवार जी ने कहा कि मेरे से उनकी बिल्कुल बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है ऐसा सुना मैंने, और ये क्यों हो रहा है, मैं इसमें कोई मेरी गलती नहीं थी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मैं क्या कर सकता हूँ, इतना बोला, लेकिन ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बोला। शरद पवार की बातों से एक बात तो तय है कि गृह मंत्री का इस्तीफा कल होने जा रहा है, ऐसा सुनिश्चित मानना चाहिए, क्योंकि नासिक में आज सचिव जो संजय राउत है इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट में बहुत सारा फेरबदल किया। उन्होंने कहा कि 1.5 साल हो गए सरकार को, हमको फिर से एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए और यदि कोई गंभीर आरोप लगते हैं उसकी यदि होती है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है टॉपिक उसका देशमुख का जाना करीब करीब तय है। देशमुख का जाना तय इसलिए भी है कि पहले भी एनसीपी में जब इसके पहले जब एनसीपी और कांग्रेस की सत्ता थी, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री थे, तब अजीत पवार पे बहुत सारे आरोप लगाए थे सिलचर घोटाले में, तुरंत अजीत पवार ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद व्हाइट पेपर रिलीज हो गया और फिर अजीत पवार वापस आ गए। ऐसा ही कुछ फॉर्मेट यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, इससे ही कुछ पार्टी की क्रेडिबिलिटी या पार्टी की जो छवि है सरकार की थोड़ी मुझे लगता है सुधरने का चांस है। बाकी ये जो है कि कमिश्नर ने किया, मुख्यमंत्री ने बोला नहीं, गृहमंत्री ने बोला नहीं, ये इतना बड़ा मजाक है। पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस स्टेशन में हवालदार की भी जो ट्रांसफ़र है, और महाराष्ट्र में पुणे मुंबई जो बड़े बड़े लैंड वाले एरिया है वहाँ तलाटी की भी ट्रांसफ़र सीधा मंत्री करता है, ये सारी दुनिया जानती है। मुझे ये भी पता है जब बीजेपी की सरकार थी तो कुछ ट्रांसफ़र दिल्ली से हुआ करते थे सब इंस्पेक्टर लेवल के, क्योंकि पैसा बहुत है और एक एक ट्रांसफ़र में यदि 50-50 लाख रुपए है तो कोई भी इसमें हाथ डालेगा। तो ये कहना बहुत ही हास्यास्पद है कि मंत्री ने नहीं बोला होगा, वजह का वापस आना, ये सिर्फ कमिश्नर का रिजल्ट नहीं हो सकता, ये कमिश्नर की डिसीजन नहीं हो सकता। कमिश्नर आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहे फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूँ डॉक्टर शिखा शर्मा, TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।